मैं चाहूंगी आप दोबारा से हमारे सारे दर्शकों को बता दें कि कौन कौन सी परेशानियां हम दूर कर सकते हैं और इस मंत्र उपचार से कैसे लाभ पा सकते हैं। बेटा, जो शनिदेव है, परमात्मा ने, चाहे आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी का भी नाम ले लीजिए जी, त्रिदेव का, उन्होंने शनिदेव को एक काम स्पुर्द किया हुआ है और वो ये काम स्पुर्द किया है कि जो भी इंसान जिस तरह के कर्म करेगा उसके कर्मों के अनुसार तुमने फल देना है जी। ठीक है, और इसीलिए शायद ये भी ज्योतिष के अंदर कहावत प्रचलित है कि शनि देव आकाश मंडल में बैठे हुए वो टीचर है जो अपने स्टूडेंट को पीट पीट के कुंदन बनाते हैं जी। ठीक है, अब इसके अंदर जो लोग भी रजवाड़े हैं, बहुत पुराने रईस, आप देखो उनकी कुंडली के अंदर शनि नौवें घर में, ग्यारहवें घर में, बारहवें घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर यही मिलते हैं जी। उनके यहाँ जब मर्जी जो मर्जी बच्चा पैदा हो इन्हीं घरों के अंदर शनिदेव मिलेंगे या सातवें घर में मिलेंगे। ठीक है, और अगर इन घरों में नहीं मिलेंगे तो इन राशियों में मिलेंगे। समझे, जिनके भी शनि इन राशियों में या इन घरों में होते हैं बेटा, वही इंसान जिंदगी के अंदर सुख भोग पाता है। दूसरी बात, जिनके घरों में दरिद्र रहा है जी, समझे, जो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी नहीं उठ पाए, मेहनत पे मेहनत करी लेकिन कभी भी कामों में कामयाब नहीं हुए, और गुस्सा और लड़ाई झगड़ा घर के अंदर आम हालात बना के रखा है, घर के अंदर समय समय के ऊपर बहुत बीमारियां रही हैं, और जो लोग अपने आप को समझदार तो समझते हैं लेकिन समझदार होते नहीं हैं और उसके कारण पूरी ज़िंदगी में कभी वो तरक्की का मुंह नहीं देखते, इन सब घरों के अंदर शनिदेव विराजमान होते हैं। समझिए, ख़ास तौर पे जो लोग रेलवे लाइनों के पास में रहते हैं जी, या बहुत ही गंदे पानी के पास में रहते हैं, या इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, उनके घरों में देखो कलेश, बीमारी, नाकामयाबी ये अपने आप ही आती है जी। आप उनके बच्चों को देखो, बहुत कम बच्चे होते हैं जो तरक्की कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहते हुए वही बच्चे कामयाब होंगे जो कि दूर देश चले जाएंगे वहाँ के माहौल को छोड़ के, और जब तक वहाँ रहेंगे वो तकलीफें पाते हैं। समझिए, क्योंकि रेलवे लाइन के पास की एक खासियत ये रहती है राजे कि एक तरफ घर होते हैं दूसरी तरफ पूरी गंदगी होती है जी। तो वो शनि ने एक तरह का रियलिटी में नरक जैसा जीवन देना होता है, इसलिए ये हालात बनाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखो, चारों तरफ धुआं होता है, चारों तरफ लेबर भी चलती है और मजदूर कामगार होते हैं, वो होते हैं, बीच में आदमी रह रहा होता है, शनि की एनर्जी से छुटकारा ही नहीं मिलता। बिल्कुल, और जहाँ शनि की एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है बेटा, वहाँ इंसान बिजनेस की सोच को सोच ही नहीं पाता, निकल ही नहीं पाता, और ऐसे घरों के अंदर बीमारियाँ भी, ऐसे घरों में कलेश भी, ये आम बात होती है। और जिन लोगों के कमर में, पाँव में दर्द रहता है, जिनमें ईगो बहुत होती है, अड़ियलपन बहुत होता है, और अपने अड़ियलपन की वजह से अपने पास आई हुई अपॉर्चुनिटियों को छोड़ देते हैं कड़वे बोल बोल के जी। और अपनी रिश्तेदारी को तोड़ देते हैं कड़वे बोल बोल के, और अपना कसूर जानते हुए भी अपने कसूर के ऊपर नहीं आना और माफ़ी नहीं मांगनी और दूसरे को उल्टा ब्लेम करना, बेटा ये जिनके अंदर आदतें होती हैं उनके शनिदेव खराब होते हैं और ऐसे इंसान ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं भोग सकते। समझ गए, और ऐसे हालात को ठीक करने के लिए खासकर जो लोग किरायों पे रहते हैं और उनके अपने मकान का कभी कोई सोर्स नहीं बन पाया, या जिनको मकान बनते ही बहुत बड़े दुख आकर के खड़े हो गए, किसी को सेहत के, किसी को फाइनेंस के, किसी को सामाजिकता के, किसी को बिजनेस के, उन लोगों के लिए भी खास तौर पे आज का उपचार रहेगा जी। और सामग्री तुमने बताई दी, हमने कल भी बता दी थी बेटा जी। अगर ये उपचार करते हो और लगातार अगर बेटा एक साल तक तुम ये उपचार कर लो तो इतनी बड़ी नेमत मिलेगी कि आगे जो तुम और तुम्हारे बच्चे सदा ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे, मकानों के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, घर से बीमारियां चले जाएंगी, ये अकड़पन निकल जाएगा और प्लानिंग की बुद्धि आकर के एक बहुत ही अच्छा सक्सेस कामकाज करने लगोगे, और यही तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल, 90% दुनिया के अंदर दुख सिर्फ पैसे के लिए होते हैं, और जिसके पास कामकाज आ जाए उसके पास पैसा आ जाता है, और पैसा आ जाए 90% दुख गए, और 10% जो दुख है वो पैसा होने के कारण वो दुख लगते ही। ठीक है, इसीलिए बेटा इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि जिसने ये उपचार कर लिया, सिर्फ वही लोग ये उपचार करेंगे जो मैंने कमियां बताई हैं, जिस तरह की तकलीफें बताई हैं, वो जिन जिन लोगों को ये तकलीफें हैं
वो अगर ये उपचार करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत जिनके पास अपने घर हैं, जिनके यहाँ पर समृद्धि है, समझ गए, अगर उन लोगों ने ये उपचार किया तो उन लोगों को उल्टा नुकसान होगा। इसीलिए संभल के जो मैंने तकलीफें बताई है, सिर्फ वही तकलीफों वाले लोग ही ये मंत्र उपचार करें।